दोस्तों आज हम मिल्की वे गैलेक्सी के एक ऐसे स्टार की बात करेंगे जो सन तो छोड़ो स्टीफन सन 218 से भी बड़ा है। इस स्टार को क्वाजी स्टार या फिर ब्लैक होल स्टार के नाम से जाना जाता है। क्वाजी स्टार हाइपोथेटिकल टाइप का एक्सट्रीमली मैसिव स्टार होता है। हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन के दौरान इन स्टार्स का भी फॉर्मेशन हुआ। हमारे सन का डायमीटर 13,90,000 किलोमीटर है, वही क्वाजी स्टार का डायमीटर 10 बिलियन किलोमीटर है। सोलर सिस्टम का 98% मास सिर्फ हमारे सन में है, और आप यकीन नहीं करोगे कि क्वाजी स्टार हमारे सन जैसे 7,000 स्टार को एक साथ निकल सकता है। ये स्टार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में एग्जिस्ट करने वाले दूसरे स्टारों से बिल्कुल अलग होता है। एक नॉर्मल स्टार में हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से टकराकर हीलियम एटम बनाते हैं, और इस प्रोसेस से स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन ही स्टार में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पर क्वाजी स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्वाजी स्टार का फॉर्मेशन प्रोटो स्टार की कोर को ब्लैक होल में बदलने के बाद होता है, और ये ब्लैक होल धीरे धीरे स्टार को निगल लेता है। क्वाजी स्टार का टेम्परेचर 9700 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वही हमारे सन का टेम्परेचर 5772 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हालांकि हमारे सन की कोर का टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्वाजी स्टार। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वेल, क्वाजी स्टार हाइपोथेटिकल स्टार है, ये रियल में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं इसके कोई एविडेंस साइंटिस्टों के पास नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।